हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ESTR। और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 बजे और हम लोग आए हैं वॉक पे। तो अभी वॉक हो गया है, लेकिन वो बोलते हैं ना, पेट पूजा जब तक नहीं होती है तब तक कुछ ख़त्म नहीं होता है। सो हम लोग सोचे हैं कि अभी हम लोग कुछ नाश्ता करने जाएंगे, तो आपको वहाँ पर ले चलते हैं। श्री न्यू गणेश फरसान एंड स्वीट मार्ट हम लोग यहाँ आए हैं। ये एग्जैक्टली आपको मिलेगा विले पार्ले में, दादाबाई रोड पे। ये जो सामने ब्रिज है यहाँ पे, ये कनेक्ट होता है वेस्ट से ईस्ट पे। लोग अभी जस्ट यहाँ पे नाश्ता लिए है, तो हम लोग ने सबसे पहले ढोकला लिए। तो ढोकले का मैं आपको बता दूँ, इसमें इन लोग सांभारा देते हैं, जो ये पपैया का होता है। पपैया, कच्चा पपैया से इन लोग इसको कट करते और उसमें सब डाल के वो मसाले से बनाते हैं, इसको सांभारा बोलते हैं। एक दूसरी एक चटनी है इसमें, वो होती है हल्की सी मिट्टी थोड़ी सी, क्योंकि स्वीट होता है, गुजरातीज़ है, थोड़ा सा स्वीट डालते ही है, जैसे दाल में डालते हैं वैसा। और एक ढोकला, ये होता है थोड़ा कड़क ढोकला, इसको ढोकला बोलते हैं। तो ट्राई करता हूँ मैं, बताता हूँ आपको क्या है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ी सी मिट्टी होती है, सांभारा, इनका सांभारा भी बहुत अच्छा है, ढोकला भी बहुत अच्छा है, पूरा गुजराती फूड है। आप आगे यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ये वाला बहुत अच्छा है। ये है पेटी समोसा, लोग सो पेटी समोसा बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो कांदा है और पवा डाला हुआ है, पवा और कांदे से बनता है। और चटनी तो मैं आपको बता चुका हूँ खमन में, ये भी ट्राई करते हैं ये भी कैसा होता है। इसकी पेटी एकदम क्रंची रहती है, बहुत अच्छा रहता है खाने में। ये आपको चटपटा लगेगा थोड़ा सा, जो अपना जो नॉर्मल समोसा रहता है उससे तो बहुत अलग है। ये गुजरातियों का फेमस है, मैं तो बोलता हूँ ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। कॉर्नफ्लेक्स रोल बोलते हैं इन लोग इसको, कॉर्नफ्लेक्स से बनता है, क्रंची होता है और अंदर इसमें आप देख सकते हो कॉर्न डाला हुआ है और आलू का थोड़ा मिक्सचर है और बाकी मसाला है। तो ट्राई करते हैं ये भी गुजराती डिश। भाई लोग, ये भी बहुत अच्छा है, जगह क्रंची आपको चाहिए कॉर्नफ्लेक्स का वो आपको मिल रहा है। और इसका मसाला देख सकते हो, मसाला भी बहुत अच्छा है, एकदम स्पाइसी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। तो जिसको स्पाइसी नहीं खाना है, नॉर्मल खाना है, वो भी खा सकता है। तो मैं तो बोलता हूँ ये भी अच्छा है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो फिनिश में। ये है नायलॉन खमन, इसको नायलॉन ढोकला बोलते हैं, जो नरम होता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा नरम किया जाता है, इस पर पानी भी ऐसा छाटा रहता है, तो इससे एकदम सॉफ्ट हो जाता है ये। तो हम ये ट्राई करते हैं, ये भी इनकी वैरायटी बहुत अच्छी है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, इसके अंदर हल्का सा मीठापन आपको आएगा, आपको चटनी में भी वो मिलता है। इसमें जो वघार जो बोलते हैं गुजराती में, वघार करते हैं जो तिल और तेल से होता है वगैरह, तो वो बहुत अच्छा किया हुआ है। तो मैं तो बोलता हूँ आप इधर आओ, ये भी ट्राई करो, ये भी अच्छा है। ये है चाइनीज़ समोसा, तो अपन इसको ट्राई करते हैं। हाँ, चाइनीज़ समोसा मतलब सिंपल सी बात है, अंदर आपको चाइनीज़ का पूरा मिक्सचर मिलेगा। इसमें आपका थोड़ा सा नूडल्स जैसा डाला हुआ है, थोड़ा सा बटेटे की भाजी है। देखते ट्राई करते और क्या क्या है, पता चलेगा। फिर पेटी बहुत बहुत क्रंची है और इसको बॉक्स में दिया जाता है। ये भी हल्का सा आपको 0.1 मीठा मिलेगा और इसमें आपको पूरा चाइनीज़ का मिक्सचर मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा चाइनीज़ का अंदर है और चाइनीज़ का बहुत टेस्ट आएगा, आपको ऐसा लगेगा आप चाइनीज़ का कुछ खा रहे हो। देख लीजिए, गोभी भी डाली हुई है हल्की हल्की,
पूरा चाइनीज़ का मिक्सचर है, नूडल्स डाला है थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा है, आप ये भी ट्राई करो, सांभर के साथ बहुत अच्छा लगता है, अति उत्तम। ये है खांडवी, ये गुजरातियों की बहुत स्पेशल डिश है, इसको इन लोग रोल में बनाते हैं, हल्का सा पतला रहता है ये, इसको रोल करके बनाया जाता है और इसमें वगार किया जाता है, वगार डाला हो डाला जाता है इसमें, तो ये भी ट्राई करते हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनी है, ये आपको ट्राई करना चाहिए। इसे हम लोग ने एक ही लिया है, ये दूसरा हमारे पास यहाँ पे है मसाला इडली, छोटी छोटी इडली होती है मसाला की, जैसा ढोकले पे वघार होता है वैसा इडली पे भी होता है, मसाला डालने के बाद, मसाला इडली बनाने के बाद इसको ऐसा किया जाता है। मसाला हल्का सा थोड़ा कम है लेकिन इडली बहुत अच्छी है, इडली सॉफ्ट नहीं है थोड़ी हार्ड है, लेकिन ये छोटी छोटी जो इडली होती है वो गुजराती है, उसकी मसाला इडली बहुत फेमस होती है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे पात्रा, ये भी गुजराती का बहुत फेमस चीज़ है, बहुत लोगों को पसंद है ये, इसमें आप देख सकते हो ये पत्ते से बनता है, पत्ते को लेते हैं उसमें लोग मसाला डाल के उसको पूरा राउंड करके उसको बनाया जाता है, फिर ये बनने के बाद उसको हल्का सा तेल में तलने के बाद थोड़ा सा वघार डाला जाता है, इसमें तिल भी इन लोग ने डाला हुआ है, आप तिल भी देख सकते हो, उसे भी ट्राई करते हैं। बहुत ये भी बहुत मस्त बना, थोड़ा सा हार्ड है और ये हार्ड रहता है, और उसका जो अंदर मसाला है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है, तो ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। ये है गुजराती फेमस कचोरी, गुजरातियों की कचोरी, सो आपने आज ट्राई करिए हमें, उसका जो ऊपर का लेयर है बहुत मस्त है, बहुत क्रंची है, मस्त एकदम, अंदर का जो मसाला है वो थोड़ा सा मीठा है, गुजरातियों में मीठा होता है, तो आप प्लीज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, इसमें आप देख सकते हो मसाला कैसा है, और फुल फ्रेश है ये। ये थी हमारी जर्नी गणेश फरसान की, आपको भी यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करना चाहिए, अगर आप गुजराती फूड लवर हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, अगर आप गुजराती फूड लवर नहीं हो फिर भी आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। यहाँ का ब्रेकफास्ट टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, तो आप ज़रूर आ सकते हो। सो आज का हमारा यहाँ होता है नाश्ता ख़त्म, और हम जा रहे हैं घर पे, फिर हमारा दूसरा सब जो काम है वो हमारा चालू होगा, तो अभी हम लेते हैं आपसे अलविदा। और या और हाँ, हमको एक और एक चीज़ आपको बोलनी है, आप जिस तरह हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो और व्यू कर रहे हो और साथ में सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद आपका, शुक्र 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 आपका, और बस इतना है कि अभी और जो भी है जो देखते हैं वीडियो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 वो सब्सक्राइब करें, हम और भी अच्छा लाएंगे आगे, और भी बहुत कुछ है, अभी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अभी और भी बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, बाय। ये लेट करने वाला हमारा वन एंड ओनली, सुबह हम 7 बजे आ सकते थे, उसकी वजह 8:30 बजे है, सब ठंडा खाने मिला, मज़ा जरा भी नहीं।